اسلام علیکم نا تا وازوای ما چې دا د ما ورور دا او دا چینل بس پټ کوي او مخکې لایکم کوي او شیرم کوي ہاں صاحب مجھے بتا دے کیا بولا آپ نے اردو میں اردو میں ہم نے بولا ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور ان کا یہ چینل لائک کر لو اور شیئر بھی کر لو دیکھا نا دیکھا دوستو جس طرح ہنسا مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آپ بھی سپورٹ کریں مثال ہوئی ہے ایک جنگل میں دو شیر نہیں دو شیر نہیں ایک شیر آپ یہ ہمیں دکھائیں بھی پہن کے اور ہمیں اس کے اندر بھی بتائیں کہ کس طرح آپ نے ان کی سیٹنگ کی ہوتی ہے آ جاؤ अच्छा 180 डब्बे टोटल भाई ये दरमियान से बचे अच्छा, और ऊपर इनका खुराक है ठीक हो गया इनका खुराक है इनका जो मलका बादशाह कह रहे थे होता है वो भी इंडिया से आता है या थोड़ा कलर उसका चेंज होता है कलर भी चेंज है और थोड़ा सा जिस्म के हिसाब से वो बड़ा है थोड़ा सा मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कहीं ये हमारे ऊपर ही ना आ जाए लेकिन खान साहब की प्रैक्टिस है डेली की ये देखो आप भी पहचान सकता है इनको ये ऊपर वाला ये वाला ये देखो एक मिनट खान साहब मैं जूम करता हूं बताइएगा ये इनका मलका होता है ये जो बड़ा नजर आ रहा है खान साहब दोबारा हाथ लगाइएगा ये देखो ये वाला मलका होता है अच्छा सारे इसी के अंडर होते हैं इनका अंडर होती है आप बता रहे थे ये बाहर भी नहीं निकलता नहीं नहीं ये बाहर नहीं जाता है ये बस सारी जिंदगी में जब घर से नया निकलेगा ना जी वो एक दफा बाहर जाएगा बस बस वाह माशाल्लाह अभी इनसे कुछ सवाल करते हैं कि ये इस तरह की जो लाइफ है ये अपने एरिया में क्यों नहीं करते अपने बीवी बच्चों से दूर आके ये काम करते हैं तो इस कारोबार में फायदा भी है या नुकसान या ये सिर्फ पठान लोग ही कर सकते हैं या हमारे पंजाबी लोग भी कर सकते हैं जी खान साहब जी ये जो कारोबार करते हैं इसमें कोई बचत भी है या कोई नहीं है जी है बचत मुख्तलिफ होती है ठीक हो गया मसलन एवरेज जो महीने का होती है 40 का भी होती है 50 का भी होती है 30 का भी होती है मसलन बराबर भी होता है ठीक हो गया यानी कि ये सीजन वाला काम होता है सीजन वाली बात होती है सीजन का जिस तरह के देख सकते हैं खान साहब बहुत ज्यादा मेहमाननवाज भी हैं हमारे लिए स्पेशल इन्होंने बिकावा बनाया है तो खान साहब ये आपका कब सीजन आएगा जब ये आपका शायद तैयार हो जाएगा ये तकरीबन तीसरा महीने से तीसरे महीने किन डेटों में तकरीबन 15 तारीख पे यहाँ से चले जाऊंगा उधर तो अगर किसी ने इस एरिए में आपसे लेनी हो शायद तो चौथा महीने में अगर आप अपना नंबर बता दे देखने वालों को अगर किसी को शायद चाहिए हो तो खालिस शायद होगी खालिस होगा गारंटी के साथ गारंटी शुदा तो आप लेकिन ये लोकल नहीं है अच्छा ये बाहर नहीं है मतलब आम नहीं मिलेगा अच्छा ये स्पेशल है ये स्पेशल है और ये ठेके का हिसाब होती है ये आगे देखा हुई है मतलब जो आदमी लेता है किलो दो किलो उनको मैं फ्री में दूंगा अच्छा उनसे पैसे भी नहीं लूंगा अच्छा सैंपल के तौर पर हाँ तो आप कितनी कोई आपसे लेगा तो आप देंगे मसलन अगर मन ले लेगा ठीक है नहीं इस तरह ये ना खान साहब पता क्या है मसलन अगर ये हमारे गांव में जितना गाने आगे बिछे हैं वो शायद आए कोई 40-50 बंदे आ जाए आपकी मान डेट इसी तरह चली जाए किलो ले लेंगे दो लादा लादा लेंगे क्योंकि इधर शाप तो किसी ने नहीं डाली कि वो एक बंदे ही आपसे मान ले लेकिन वो अक्सर मगर जब हम शेत निकालना है तो आता है बच्चे आते हैं बड़ा भी आता है उनको मैं फ्री में देता हूँ वो तो इस बार हमने सिर्फ एक किलो लेनी है आपसे लेकिन फ्री नहीं लेनी हम पैसे देंगे फ्री नहीं लेते वो पिछली बार भी नहीं हम ले सके आपसे रेट क्या चल रहा है रेट इनका जो हमसे जो लेता है वो तो होलसेल का है वो तकरीबन 20,000 से लेकर मन 30,000 तक इस दरमियान में चलता है यानी कि अगर मतलब मार्केट का हिसाब होती है कभी नीचा जाएगा कभी ऊपर ये रेट चलता है अगर 20,000 का मान हो तो यानी कि 1,000 रुपए किलो मसलन जो मान पूरी लेगा मसलन जब वो लोग जो दुकानों में बेचता है फिर ये शेद है नहीं अगर आप लोकल रेट बताएं जो घरों में कोई किलो लेता है कोई 500 रुपए हम से 500 रुपए किलो देंगे आप अपना नंबर बता दें बहुत से देखने वालों को 0344 98020
जिसको भी चाहिए हो तो वो तीसरे महीने में 15 तारीख से पहले 15 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद खान साहब से रब्ता कर ले, उनको फी के जी या जो 1 किलो 500 के हिसाब से मिल जाएगी। हाँ मैं अपना डब्बे थे अपने डब्बे थे एक दूसरे के पास नहीं जाते। अच्छा जो एक डब्बे में आती है उसने दूसरे डब्बे में नहीं दूसरे डब्बे थे नहीं जाना है, हर में के अपना डब्बे थे। और इसमें एक होती है बादशाह, हर डब्बे में एक बादशाह होती है, एक मलका होती है, अंडे वो ही देता है, बाकी जड़ मक्खी होती है वो संभालता है, वो उन बच्चों की परवरिश करते हैं। परवरिश वही करता है, कोई खुराक देता है, कोई मतलब उनको बंद करता है, कोई उनको खुराक ले जाता है, बाकी काम ये मक्खी करता है, बाकी सारा काम वो एक मक्खी करता है। वो एक वो मलका सिर्फ अंडे देता है। और हाँ साहब ये कितनी दूर जाती है? ये तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जाता है। 3 किलोमीटर आसपास 3 किलोमीटर हर रोज मसलन अगर इधर नज़दीक कुछ ना हो और 3 किलोमीटर दूर को उनके लिए कोई रिज़क नहीं था, यानी कि जो भी इनको रिज़क मिलता है उधर तक मतलब 3 किलोमीटर दूर जाता है। ठीक हो गया। रोज को 3 किलोमीटर वो तकरीबन ये 3 किलोमीटर दूर जाता है, मसलन यहाँ से घूम करके फिर जाता है, ये नहीं है कि मसलन सीधा ये यहाँ घूम करके चले जाते हैं, अपना लेवल पे जाएगा। अच्छा कि मसलन वो पसी का इनका रास्ता घूम ना हो जाए, यानी कि स्ट्रेट सीधी जाती है। सीधी जाती है और उसी रास्ते से फिर उसी रास्ते से। और इनको आप खुद भी कोई खुराक वगैरह डालते हैं? इनको खुराक देता हूँ आप, आजकल जो सर्दियों का मौसम है और ये बच्चे देता है, बच्चे बनाता है और बच्चे बनाने का मौसम है तो इनको हम खुराक देता हूँ शीरा चीनी। अच्छा खुराक चीनी। और आप जो इतनी दूर आके रह रहे हैं, यानी कि ये आपने झोंपड़ी लगाई हुई है तो खेमा लगाया तंबू लगाया, तो इस तरह आपने केले रह रहे हैं, पानी पीने वाला भी भर के लाना है, खाना भी खुद बनाना है, सारे काम ही खुद करने हैं अपने, कपड़े धोने हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता आपको? नहीं नहीं अभी आदत हो गया। अच्छा अभी आदत बन गया, मतलब अगर अब आ जाएगा एक दिन एक काम कर लेगा तो आप, यानी कि रोजमर्रा के काम अब आपको मुश्किल नहीं लगता? अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। यानी कि अक्सर मैं देखता हूँ कि जिस तरह भी आप लोग ये काम करते हैं चाय का, तो ये आप जगह जो सिलेक्ट करते हैं ये वीरान जगह सिलेक्ट करते हैं, मतलब आबादी से थोड़ा सा दूर, कोई किसी को तंगी खुशी ना मिले, यानी कि आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, परेशानी ना हो हमारी तरफ से, किसी को कोई तंग पड़ ना जाए, कोई मछली को मतलब बच्चे मछली होते हैं तो उसको तंग ना हो जाए, वीरान जगह पर जाऊँगा। एक जो मक्खी होती है उनकी मलका होती है जिस तरह बादशाह होता है, उसने वो कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में डब्बे से बाहर नहीं निकलती, और सारी उसकी बात मानते हैं, बस ये इसके ऑर्डर पे चलता है ना, उसके ऑर्डर पे ये मलका ऐसा है, और एक दफा बाहर जाते हैं ना बाहर एक दफा बस वो फिर हमारा जब वो फिर बाहर जाता है ना, जब ये बाहर वाले मौसम जो है ना वो उस वक्त ये सेल कर रहे हैं, जब बाद अमन की फिर उनके पास जाएगा ना फिर वो आम अलग डब्बे में डालता है। ठीक हो गया। जब इसमें दो मलके आ जाएगा ना ये पैदा होता है ना दो, फिर एक बाहर जाएगा एक बाहर चला जाएगा एक बाहर चल जाएगा आधा मक्खी के साथ, आधी मक्खी भी उसके साथ मक्खी भी साथ। ब्यूरो चैनल मक्खी सब्सक्राइब करिए, चैनल सर लाइक करिए, शेयर करिए, मक्खी तावन उतरो कोई बस मेरा भाई।